नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार के हिसाब से खुलता हुआ नजर आ रहा है। किस कमोडिटी के अंदर कितनी मनी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे सीड का अक्टूबर वायदा 6148 पर है आधा फीसदी की तेजी के साथ, और बात करें नवंबर वायदा की तो 6200 पर निकल चुका है, 6232 पर है, उसके अंदर भी लगभग आधे फीसदी की तेजी देखने को मिल रही है। रूपा जी, जानना चाहेंगे आपसे कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कैसे सीड का वायदा बाजार कैसा देखने को मिल पाएगा। देख रहे हैं कि आज भी 6100 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है, आपको क्या लगता है क्या इस कारोबारी सप्ताह में कैसे सीड का वायदा बाजार अक्टूबर वायदा 6200 के लेवल दिखला पाएगा? देखिए, कैस्टर सीड में अभी तेजी का ही रुझान है और बिल्कुल उम्मीद है कि 6200 तक जा सकता है और अक्टूबर वायदा 6200 का स्तर दिखा सकता है और नवंबर वायदा तो मुझे लगता है कि 6500 तक ऊपर जा सकता है। जी, ये विद कलर POLOUR। यहीं से रुपये की बात करें अगर मसाला पैक की तो देख रहे हैं कि धनिया का अक्टूबर वायदा 8024 पर है, और बात करें जीरे की तो जीरे का भी अक्टूबर वायदा देख रहे हैं 14530 पर है, जीरे में 0.25% की तेजी है, और टर्मेरिक का अक्टूबर वायदा 7240 पर है। रूपा जी, देख रहे हैं कि आज मसालों का वायदा बाजार कुछ उठता हुआ नजर आ रहा है पहले के मुकाबले, आपको क्या लगता है क्या ये जो तेजी है ये पूरे हफ्ते जारी रह पाएगी मसालों के अंदर? देखिए, त्योहारी सीजन की एक मांग निकलती हुई दिखाई दे रही है जिसके चलते इनके अंदर तेजी बनी रह सकती है और मसालों के अंदर अभी फिलहाल अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। जी, ये सर जी बात करें अगर बिनौला खल की तो देख रहे हैं कि 2500 के ऊपर आज भी सस्टेन होकर चल रहा है, लेकिन 0.1% की करेक्शन देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है इस करेक्शन के बाद क्या बिनौला खल की कीमतों में एक अच्छी तेजी भी देखने को मिल पाएगी और बिनौला खल क्या 2600 का लेवल दिखला पाएगा? देखिए, जहाँ तक बिनौला खल की बात है, बिनौला खल में फिलहाल जो है 2600 तक के स्तर संभव है, देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 2400 है, 2400 से लेकर 2600 की रेंज फिलहाल बनी रह सकती है, निचले स्तरों पर खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए। जी रूपा जी, यहीं से नजर डालें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की हो तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का अक्टूबर वायदा 10435 पर कारोबार कर रहा है 4% की तेजी के साथ, और ग्वार सीड का अक्टूबर वायदा 6000 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रूपा जी, आपने जो टारगेट्स दिए थे ग्वार के वो आज आपके अचीव हो चुके हैं, अब आपको क्या लगता है ग्वार के अंदर अभी और कितनी तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, जहाँ तक ग्वार की बात है, मुझे लगता है कि अभी 11000 तक ऊपर जा सकती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, तो आज 4% की तेजी है, 11000 तक है मैक्सिमम अपसाइड, एक बार हम देख रहे हैं कि गम दिखा सकता है, और वहीं अगर सीट की बात करें तो सीट भी 6100 से लेकर 6200 तक एक बार फिलहाल ऊपर जा सकता है। जी, रूपा जी बात करें अगर खाद्य तेल की तो खाद्य तेलों में देख रहे हैं कि सरसों का अक्टूबर वायदा 8338 पर है, रिफाइंड सोया तेल का अक्टूबर वायदा 1345 पर, और सोयाबीन का अक्टूबर वायदा 5581 पर है, लगभग 0.3% की गिरावट सोयाबीन के अक्टूबर वायदा में देखने को मिल रही है। रूपा जी, देख रहे हैं कि आज खाद्य तेलों का वायदा बाजार एक सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, और ये भी देखा गया है कि जो सेबी है उसने सरसों के वायदा पर रोक लगा दी है कि जब तक सेबी का अगला आदेश नहीं आ जाता है तब तक सरसों का वायदा बाजार में नई पोजीशनें नहीं बना जा सकती हैं, जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो पहले से ही चल रहे हैं सिर्फ उनमें सौदा काट के निकला जा सकता है। और रूपा जी, अभी अभी एक और खाद्य तेलों को लेकर खबर निकल के सामने आई है कि सरकार ने जैसे पहले दलहन पर स्टॉक लिमिट लगाई थी, सरकार ने वैसे ही अब एक खाद्य तेलों पर भी स्टॉक लिमिट लगा दी है, जिससे कि जो घरेलू बाजारों में जो कीमतें हैं उनको काबू में किया जा सके। अब आपको क्या लगता है इस खबर से और सरकार के इस फैसले से तेल तिलहन का वायदा बाजार और हाजिर बाजार कितना टूटता हुआ नजर आ सकता है? देखिए अखिलेश, जिस तरीके से तेजी बनी, गिरावट जो है वो बाजारों के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, और आगे फेस्टिवल सीजन है, सरकार को कहीं ना कहीं ये डर है कि त्योहारी सीजन के चलते मांग निकल सकती है और एक तेजी का रुझान बन सकता है, इस वजह से सरसों के अगले वायदा पर भी रोक लगा दी गई और इसका सीधा असर हम बाजारों पर आते हुए देख सकते हैं। सोयाबीन जो कि पहले ही गिरावट की मार झेल रहा था, फिर गिरावट जो है आज भी हमने देखा है कि बाजारों के अंदर गहराती हुई नजर आ रही है, और मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ही रहने वाला है। जो एक छुटमुट तेजी जो है वो बन सकती है फिलहाल बाजारों के अंदर, लेकिन वायदा के अंदर अब बाजारों में फिलहाल पोजीशनें बनती हुई दिखाई नहीं देंगी और इसका सीधा असर जो है बाजारों के ऊपर, प्राइसेस के ऊपर आता हुआ हम देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि प्राइसेस अभी निचले स्तरों पर कारोबार करते दिखाई दे सकते हैं। जी, तो यानी कि त्योहारी मांग होने के बावजूद भी खाद्य तेल का बाजार कुछ निचले स्तर पर जाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि जो खाद्य तेल के दाम है वो ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए,
और देखा जाए तो एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जो सरसों तेल है वो 200 रुपए के पार बिकता हुआ नजर आ चुका है, और अभी भी सरसों के तेल के जो दाम है लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसका असर अन्य खाद्य तेल की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सरकार चाहती है कि उपभोक्ताओं को जो चीज़ मिल रही है, जो दाम मिल रहे हैं, वो उचित रेट पर मिलें, जिससे कि हर कोई इनको एक्सेस कर पाए, इनकी सेवन कर पाए। रूपा जी जानना चाहेंगे वो कौन सी एग्री कम्युनिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। देखिए, अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो एग्री कमोडिटीज के अंदर आज मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो है बाजारों के अंदर गिरावट का रुझान जो है वो गिराता हुआ दिखाई दे सकता है। ग्वार ऐसी कमोडिटी है जिसमें तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। ग्वार के साथ साथ धनिये में आगे चलकर तेजी बन सकती है। धनिये को बाय करके फिलहाल चला जा सकता है, और मुझे लग रहा है कि धनिया जो है फेस्टिवल सीजन के दौरान 8200 तक एक बार ऊपर जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि ग्वार और धनिया ये दोनों कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनके अंदर तेजी बनती हुई नजर आ सकती है, तो इनमें निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। तो फिलहाल सिलसिला बाजार का हमें बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।